आईडी फैन को कैसे चलाएंगे? जब भी हम कोई भी मोटर जो जब हम चलाते हैं, जब भी कोई मोटर स्टार्ट करेंगे, वो चाहे सीएपी को, चाहे एमडीबीएपी की हो या किसी भी पंप की हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस मोटर पे लोड नहीं आना चाहिए। और लोड कब आएगा? जब आपका उस मोटर से आप जो भी वर्क डन करवा रहे हो, वो वर्क डन आपको उस इंस्टेंट पे नहीं करवाना है जब आप मोटर को कमांड दे रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे आपको इस फैन को आप चला रहे हो, ये आपका फैन है, ये आईडी फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये उसकी मोटर लगी हुई है, ठीक है। तो इस मोटर को जब कमांड दे रहे हो तो यहाँ पे जो आईडी फैन लगा हो वो बिल्कुल भी काम ना करे। काम ना करे मतलब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कपलिंग नहीं है तो ये रोटेट तो करेगा, लेकिन आपके पास में इसमें अगर वर्क डन नहीं करवाना है तो इसकी पिच जीरो कर दो। जैसे अभी 68% इसकी पिच है, ये हम जब आईडी फैन अलग से पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि पिच क्या होती है, इसका क्या काम होता है। कि पिच का काम इतना सा होता है कि आपका एयर फ्लो आपको कितना चाहिए। अगर जीरो पिच है तो आपको एयर फ्लो नहीं मिलेगा, और जैसे जैसे पिच बढ़ाते जाएंगे, ये एंगल होता है, ब्लेड एंगल होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका एयर फ्लो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस फैन से वर्क डन नहीं करवाना चाहते तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आउटलेट गेट, जो आउटलेट पे गेट है वो बंद रहे और जो इनलेट पे गेट है वो बंद रहे। ये आपका एक बात है जो ईएसपी से फ्लू गैसेज आ रही है, ठीक है, आईडी फैन के अंदर, और ये आईडी फैन का आउटलेट है जहां से आपकी ये स्टेक के अंदर जा रही है, स्टेक और चिमनी के अंदर, ठीक है। तो ये जो चिमनी के अंदर जो जा रही है आपकी फ्लू गैसेज आईडी फैन के थ्रू होके, तो जब आप इस मोटर को कमांड दोगे तब आपके इस आईडी फैन को आपकी पिच को रखना है जीरो, पिच को जीरो रखना है, पिच आपकी जीरो पे रहेगी, 0% पे रहेगी। आउटलेट गेट है ये क्लोज्ड रहेंगे, ठीक है। आपके इनलेट गेट है वो क्लोज रहेंगे, ठीक है। आपने आउटलेट गेट क्लोज कर दिया, आपने इनलेट गेट क्लोज कर दिया। अब क्या, जब आप ये देखोगे कि इस ये जो आईडी फैन है इसके अंदर एक्चुअल में एस ट्रेवल करती है, जो हमारी कोल की एस होती है, कोल बर्न होने के बाद में जो एस पार्टिकल होते हैं ये ट्रेवल करते हैं साथ में। ये हालांकि हमारी 90% एस ईएसपी के अंदर रह जाती है, लेकिन इसमें जो फ्लू गैसेज जो ट्रेवल कर रही है वो फ्लू गैसेज हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर लीक हो। यहाँ पे ये साफ्ट और केसिंग के बीच में कुछ जगह छूट जाती है, ये देखिए कि यहाँ साफ्ट और केसिंग के बीच में कुछ हमें क्लियरेंस रखनी पड़ती है ताकि यहाँ से ये आराम से हमारा जो रोटेटिंग पार्ट है साफ्ट रोटेट कर पाए और केसिंग के डायरेक्ट टच में ना हो। तो जो ये जो रोटेशन है उसको अलाउ करने के लिए हमें कुछ क्लियरेंस रखनी पड़ती है, और यहाँ पे क्लियरेंस है उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे आपका फ्लू गैसेज लीक करे। और उसको लीक कर से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सिस्टम लगाना है, और उस सिस्टम को कहते हैं हम सीलिंग, ठीक है। और ये सीलिंग किससे होगी, ये होगी सील एयर फैन से, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा कि हमने आउटलेट गेट बंद कर दिए, हमने इनलेट गेट बंद कर दिए, उसके बाद में हमने सील एयर फैन भी चला दिया। अब इसके बाद में जो इसके बाद जो छोटी चीज आएगी वो ये आएगी कि जो जितने भी बेरिंग लगे हुए हैं, जो मोटर पे बेरिंग लगे हुए हैं, ठीक है, जो फैन पे बेरिंग लगे हुए हैं, इन बेरिंग के लिए लुब्रिकेशन। तो आपको एलओपी यहाँ पे लूब ऑयल पंप भी चला देना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे प्रॉपर लुब्रिकेशन हो जाए। तो आईडी फैन के लिए अपने पास में जो हमें आईडी फैन के लिए जो चीजें ध्यान में रखनी है वो एक बार हम देख लेते हैं कि हम आईडी फैन को चलाने से पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे। तो जो बॉयलर लाइट अप का प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले हम काम करने वाले हैं वो है एपीएच, कैसे एपीएच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आईडी फैन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एफडी फैन स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हमने ये APX देख लिया, ID फैन भी देख लिया और अब FD फैन देखेंगे। तो पहले एक बार ID फैन का हम दोबारा से देख लेते हैं कि ID फैन का क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। ID फैन स्टार्ट, आईडी फैन के अंदर सबसे पहले जो चीज आप ध्यान दोगे वो है एलओपी। एलओपी मस्ट बी रनिंग, ठीक है। उसके बाद जो है सील एयर फैन, ठीक है, ये भी चलना चाहिए। फिर उसके बाद में इनलेट एंड आउटलेट गेट शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा एलओपी हो गया, सील एयर फैन हो गया। जो चौथा पॉइंट है वो ये अपना कि ब्लेड पिच है शुड बी जीरो, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि लूब ऑयल पंप चलना चाहिए, सील एयर फैन चालू रहना चाहिए, इनलेट और आउटलेट गेट क्लोज होने चाहिए और ब्लेड पिच है जो कि जीरो होनी चाहिए। अब हम इसको सीधा कमांड देंगे, यहाँ पे मोटर को कमांड देंगे और जैसे ही मोटर चल जाती है तो मोटर चलने के बाद में क्या होगा कि आपका ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी और ये फैन भी चलने लगेगा। अब जैसे ही आपका फैन आएगा उसके बाद में आपके आउटलेट और इनलेट गेट है, ये इनलेट गेट और ये आउटलेट गेट है, ये आपके ऑटो में खुल जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको ऑटो में नहीं खुलते हैं तो आप पहले इनलेट गेट खोलोगे और उसके बाद में आप आउटलेट गेट खोल दोगे, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ पे इनलेट और आउटलेट आपके गेट खुल गए, अब आपको जो एयर फ्लो बनाना है उस एयर फ्लो को बनाने के लिए आपके पास में यहाँ पे आपका पिच है, इसको आप जीरो से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी आईडी या एफडी फैन चलाएंगे तो फ्लू गैस पाथ जो कि पूरा आपका ओपन होना चाहिए। जब आप पहला आईडी लेंगे तब आपके जो दूसरा आईडी फैन है उसके इनलेट और आउटलेट गेट है वो खुले होने चाहिए, और एफडी के भी जब आप आईडी फैन भी ले रहे हैं तब भी आपके एफ डी फैन के इनलेट और आउटलेट गेट खुले होने चाहिए।